दोस्तों ये है बजाज की प्लेटिना 110 ABS BS6 बाइक है। इसमें प्रॉब्लम आया था कुछ दिन पहले, जैसा कि इंजन से बहुत ज़्यादा साउंड करता था। इंजन स्टार्ट होने बाद बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, साथ ही साथ इसके गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम थी। गियर भी सही से काम नहीं कर रहे थे और क्लच भी सही से काम नहीं कर रहे थे। तो इसका इंजन पूरी खोला गया है, देखा जा रहा है कि इसमें क्या दिक्कत है। वैसे तो क्लच कवर जब खोलने के बाद पूरा क्लच प्लेट वगैरह सब खोला गया, तो जो हमारा इनपुट शाफ्ट होता है, इनपुट शाफ्ट का जो बैरिंग होता है 6203 नंबर का, वो डैमेज था, टूटा हुआ था। तो टूटा हुआ होने की वजह से जो इनपुट शाफ्ट था काफ़ी फ्ले आ गया था। साथ ही साथ इंजन के अंदर के लग रहे हैं कि इसका नीडल बैरिंग भी टूटा हुआ है जो इनपुट शाफ्ट का होता है। तो इंजन पूरा खोला गया है और चलिए देखते हैं इसमें टूटा कैसे है, मतलब क्या मैकेनिज्म फॉल्ट आया है, किस वजह से टूटा, ये भी आपको बताएंगे। तो इंजन पूरी असेंबली खोल दी गई है और आप देखें तो हमारा इनपुट शाफ्ट का नज़दीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो नीडल बैरिंग है उसमें लग रहा है पूरी तरह से टूट चुका है। और इसमें जो देखिए, तो आप जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए तो नीडल बैरिंग है जो, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इसमें जितने भी रोलर बैरिंग लगे हुए रहते हैं, छर्रा जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। सारा छर्रा मतलब कि निकल के पूरे मिस दिया है, जो हमारा शाफ्ट होता है उसके वजह से पूरा मिस दिया है। नीडल बैरिंग पूरी डैमेज हो चुकी है, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये बाइक है, किस वजह से हुआ है इस तरह से फॉल्ट, वैसे बहुत कम चांस होते हैं ऐसे फॉल्ट का। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम करके दिखाने का। वो जो इनपुट शाफ्ट का हमारा जो नीडल बैरिंग है वो टूट चुका है। फिर जो सामने का 6203 बैरिंग होता है, दो बैरिंग इसमें लगता है, एक अंदर की साइड नीडल बैरिंग होता है, बाहर की साइड सिंपल जो हमारा बैरिंग होता है वो होता है, जो कि 6203 नंबर का है। अंदर का बैरिंग पूरी तरह से टूट चुके हैं और इसके सारे जो मटेरियल हैं, पार्ट है, वो इंजन में मिक्स हो चुके हैं। तो ये बाइक ज़्यादा चली भी नहीं है बहुत, तो मतलब किलोमीटर तो नहीं देखे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं चली है। डिजिटल मीटर है हमारा, बजाज की प्लेटिना डिजिटल मीटर है, ABS है। इसके जो पार्ट हैं, मतलब बैरिंग वगैरह के जितने भी मटेरियल हैं, पूरे घिस के इंजन के जो गैलरी है नीचे की साइड, उसमें मिक्स हो गए हैं, आकर लगे हुए हैं। ये हमारा आउटपुट शाफ्ट है। तो आउटपुट शाफ्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, इनपुट शाफ्ट में ही दिक्कत थी। हमारा नीडल बैरिंग वो टूट गया था, आगे का जो क्लच कवर से जो बैरिंग दिखता है आपको 6203 नंबर का इनपुट शाफ्ट का, वो भी टूट चुका था। दोनों अंदर और बाहर का दोनों बैरिंग टूट चुके थे। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम था, इंजन से बहुत ज़्यादा इरेटेड साउंड आता था, मतलब अजीब टाइप। और साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग, मतलब गियर लग ही नहीं रहे थे, गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, गियर नहीं लग रहे थे, साथ ही साथ क्लच भी नहीं काम कर रहे थे। तो इतने सारे प्रॉब्लम था। ये हमारा क्रैंक है, इसका क्रैंक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और ये हमारा बजाज की, ये हमारे वाशर है जो नीचे लगती है चैम्बर में, लेफ्ट साइड के चैम्बर में। तो क्रैंक आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा और मैं आपको पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो इनपुट शाफ्ट है वो है, इनपुट शाफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी दोस्तों, आउटपुट शाफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट शाफ्ट में ही दिक्कत है, जो कि दोनों तरफ के बैरिंग उसके टूट चुके हैं। तो उसे हम रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। जो नीडल बैरिंग है उसे भी नया डालेंगे, बाहर का जो बैरिंग है वो भी नया डालेंगे दोनों। ये हमारा लेफ्ट साइड के चैम्बर में जो बैरिंग है वो भी डैमेज हुआ है, राइट साइड के चैम्बर में है जो बैरिंग वो भी डैमेज हुआ है इनपुट शाफ्ट के। तो दोनों बैरिंग को चेंज करेंगे। आप क्रैंक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से है। साथ ही साथ अब देखते हैं क्या क्या मतलब डैमेज हुआ है इसमें। बात करते हैं इनपुट शाफ्ट की, जो ये हमारा राइट साइड का चैम्बर है, राइट साइड में देखें तो पैकिंग मतलब लगा हुआ है इसमें, और इसमें कुछ डैमेज नहीं लग रहा है। जो हमारा ये बैरिंग था, इसे बिल्डिंग करा कर निकाला गया है, रिप्लेस किया गया है, लेकिन जब अंदर का बैरिंग टूटा हुआ था उसमें फ्ले दिखा रहा है, इस वजह से इंजन खोलना पड़ा है। पहले तो सोचा गया था कि यही बैरिंग सिर्फ टूटा है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सोचा गया कि यही बैरिंग टूटा है। बैरिंग फिलहाल टूटा था, देखें अब टूट चुका है, वेल्डिंग करके निकाला गया, इसको वेल्ड करके सोचा गया है कि मतलब काम चल जाएगा, हो सकता है यही बैरिंग टूटा हो। तो बाद में बैरिंग रिप्लेस होने के बाद भी शाफ्ट में फ्ले था, ऊपर नीचे का फ्ले था, तो
ज़्यादा प्ले बता रहा था, इसलिए जो नीडल बेयरिंग अंदर का वो भी ख़राब हो चुका था, तो इसलिए इंजन खोलना पड़ा है नीडल बेयरिंग ख़राब होने की वजह से। बाहर का जो बेयरिंग था वो तो बाहर से रिप्लेस हो गया है, वेल्डिंग करा कर निकाल कर और उसे रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी समस्या वही थी शाफ्ट में। ये हमारा क्लच, ये मैग्नेट कवर, ये हमारा मैग्नेट है। BS6 बाइक है, आप देख सकते हैं बजाज की प्लेटिना 110 BS6 ABS, तो इसका ये मैग्नेट है। हेड हेड की कैप देख सकते हैं, ये हमारा हेड है। और इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, तो ये हमारा हेड है। और चलिए मैं आपको सिलेंडर भी दिखा दे रहा हूँ। सिलेंडर को पिस्टन से, पिस्टन जो है सिलेंडर से बाहर नहीं निकालेंगे, पिस्टन में लगे रहने देंगे। थोड़ा सा मतलब रिंग फंसी रहे उसमें, कुछ इस प्रकार से करेंगे और लॉक को निकाल कर जो हमारा सिलेंडर है उसे बाहर ले लेंगे, ताकि जो रिंग है वहाँ पे बनी रहे, जैसे मतलब स्मोक की प्रॉब्लम भविष्य में ना आए जल्दी, जैसा कि कंपनी जितना जल्दी उतना चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जिस जैसे लगा हुआ है हमारा पिस्टन वैसे ही हल्का सा, मतलब जो लॉक का एरिया है उसे ही थोड़ा बाहर करेंगे क्रेंक से, और जो लॉक निकाल लेंगे पिस्टन को उसी में रहने देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बाइक आप देख सकते हैं, ABS, डिजिटल मीटर है, बजाज की प्लेटिना 110। तो ये हमारा इनपुट सॉफ्टवेयर वगैरह, मतलब इसे अच्छी तरह से चेक किया गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेढ़ा वेढ़ा नहीं हुआ है, मतलब कि गियर में भी कोई दिक्कत नहीं है, गियर सेफ्टली मतलब जैसे हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं, गियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट साउंड फिलहाल ठीक है, टेढ़ा वाढ़ा नहीं हुआ है। बस प्रॉब्लम यही है किस वजह से बैरिंग फूटे हैं टूटे हैं ये तो अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। फिर क्लच कवर खोला गया तो जो हमारे क्लच का ठेसी जहाँ लगता है वो भी पार्ट टूट चुके थे, मतलब काफ़ी सोचने वाली बात है इस तरह से मतलब हुआ है इंजन में, क्यों हुआ है किस वजह से हुआ है ये मालूम नहीं चल पा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या डैमेज हुआ है। बस फिलहाल तो यही दिख रहा है कि इनपुट शाफ्ट के दोनों बैरिंग टूट चुके हैं, बेल्ट करके निकाला गया, रिप्लेस किया गया, फिर भी समस्या वही था, अंदर का जो बैरिंग है वो टूट चुका था नीडल बैरिंग, इस वजह से पूरी इंजन को खोलना पड़ा। बस बैरिंग टूटने की वजह से इंजन को पूरी तरह से खोलना पड़ा। तो ये हमारा राइट साइड के चैम्बर में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो नीडल बेयरिंग है उसे बाहर निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। जो हमारी लेफ्ट साइड का चेंबर है आप इस तरह से पलटेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा होल दिखाई देगा, जैसे आपको बेयरिंग दिखेगा, हल्का सा होल यहाँ से दिखाई देगा जिससे बेयरिंग आपको दिखेगा, आसानी से दिख जाएगा। तो पेचकस की सहायता से या किसी शाफ्ट के अच्छे से मार लेंगे वहाँ से, अंदर से दिखेगा। तो देखिए हमारा नीडल बेयरिंग का जो कॉलर है वो बाहर आ चुका है आसानी से, जो हमारी लेफ्ट साइड का चेंबर है फ्लट कर उस साइड से मारेंगे तो वो आ जाएगा। तो थोड़ा एरिया दिया रहता है, देखिए पेचकस से, पेचकस की सहायता से मैंने मारा और बाहर आ गया जो हमारा नीडल बेयरिंग का कॉलर है। तो ये हमारा क्लच कवर है, क्लच कवर का कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्लच की ठेसी लगती है, ठेसी जिसे बोलते हैं, यहाँ का पार्ट डैमेज हो चुका है, जिसमें मतलब क्लच कवर में जो ठेसी लगती है, यहाँ पे जो होल दिए हैं इसके, जो होल है उसके एरिया जो देखें तो आप, मैंने देखा था तो ये टूट चुका है, यहाँ से एलुमिनियम के पार्ट हैं यहाँ से टूट चुके हैं, जिसमें क्लच की ठेसी लगता है, जो क्लच को रिलीज करता है, जब हम क्लच को प्रेस करते हैं क्लच की वायर जो होती है कनेक्ट होती है तो ये रिलीज करता है क्लच को, दबाने की कोशिश करता है, तो ये टूट चुका है, तो ये भी डैमेज है। अब किस वजह से हुआ कैसे हुआ, इसका जो आयल पंप है वो भी डैमेज है, साथ ही साथ जो क्लच प्लेट है वो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये जो ठेसी लगती है यहाँ पे देखें तो ये एरिया टूट चुका है। तो देखेंगे अगर वेल्डिंग से काम चलने वाला होगा तो होगा, चल जाएगा काम, अगर नहीं चलेगा तो इसे क्लच के कवर जो है उसे चेंज करना पड़ेगा, क्लच की कवर। तो बैरिंग तो वो जो हमारा अंदर का जो पार्ट है बैरिंग तो ख़राब हुए हैं तो उसे चेंज कर देंगे, काम चल जाएगा। जो नीडल बैरिंग है और बैरिंग जो मेन चैम्बर में है और क्लच कवर का एरिया है जो, ये अगर वेल्डिंग से बनने वाला होगा तो बन जाएगा चलेगा, और नहीं बनने वाला रहेगा तो जो क्लच कवर है उसे रिप्लेस करेंगे नया डालेंगे। तो बस इतना सारा डैमेज था इस बाइक में, तो सोचा चलिए आपको दिखा देते हैं, और किस वजह से हुआ है ये अभी तक पता नहीं लगाया, लगेगा तो बताएंगे। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और।